हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे सप्ताह में क्या बदलाव महसूस कर रही होंगी और बच्चे की ग्रोथ किस स्टेज पर होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आसान से आसान भाषा में पूरी जानकारी दूं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और यदि आपके मन में प्रेगनेंसी को लेकर सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने पीरियड मिस कर दिए होंगे और आपने यूपीटी, जिसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहा जाता है, अब तक कर लिया होगा। और यदि आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो मुबारक हो, आप माँ बनने जा रही हैं। अब इसके बाद जब आप गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने जाएंगी, वो आपसे पूछेंगी कि आपका एलएमपी कब था। इसका मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी आपको आखिरी बार पीरियड कब आए थे। अब मान लीजिए कि पिछली बार पीरियड 1 जनवरी को खत्म हुए थे, तो 1 जनवरी के बाद से प्रेगनेंसी को नोट किया जाएगा, यानी प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्ते 15 जनवरी तक हो जाएंगे। अब समझते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में आपके शरीर में क्या हो रहा होगा। पहले सप्ताह में ओवम तैयार होगा, जिसे सीधे सीधे बोलें आप समझ लीजिए अंडा बन रहा होगा। अब अंडा बनाने के लिए शरीर FHS और LH भेजेगा, जो आपकी ओवरीज को बोलेगा कि आपको ढेर सारी फॉलिकल्स बनाने हैं। तो आपका शरीर ढेर सारी फॉलिकल्स बनाएगा और हर फॉलिकल में एक छोटा सा अंडा होगा जो अभी मैच्योर नहीं होगा। अब इन्हीं फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल के अंडे को विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे और वो मैच्योर होगा। तो प्रेगनेंसी के पहले वीक में आपकी ओवरीज में एक अंडा तैयार होगा। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे सप्ताह में क्या होगा। अब इस समय आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो इस समय आपका ब्रेन आपकी ओवरीज को सिग्नल देगा कि आपका अंडा मैच्योर हो गया है, इसीलिए ओवुलेशन कर दो। तो ऐसे में ये अंडा यहाँ से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और यही वह पीरियड होता है जब आप संबंध बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में संबंध बनाएंगी और इसमें सीमेंस के अंदर बहुत सारे स्पर्म निकलेंगे और वो आपके शरीर की फैलोपियन ट्यूब में आएंगे। अब चूंकि फैलोपियन ट्यूब में ओवम पहले से ही और स्पर्म भी वहाँ पहुँच जाएंगे, तो अब यह स्पर्म आपके ओवम में चला जाएगा और आपके क्रोमोसोम और स्पर्म के क्रोमोसोम मिलकर एक बेबी बनाएंगे। अब यहाँ पर जो अंडा है ऑफिशियली फर्टाइल हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती 2 हफ्तों में बच्चे के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके बच्चेदानी में भी बदलाव आएंगे, जैसे कि आपका ब्रेन यूट्रस को बताएगा कि बच्चे के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब बच्चे के लिए आवश्यक तैयारी शुरू कर लें। तो आपके बच्चेदानी के अंदर नए सेल्स बनने शुरू होंगे। यह प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह में होता है और प्रेगनेंसी के दूसरे सप्ताह में ये सेल्स और मजबूत होंगे और इंडोमेट्रियोसिस को तैयार करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम यह भी बताएंगे कि प्रेगनेंसी के तीसरे और चौथे सप्ताह में क्या बदलाव होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।